तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके, जहाँ पे हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। सो गाइस, मैं अपन माइनक्राफ्ट में अपना प्यारा दुल्हारा घर बनाने जा रहा हूँ बिना किसी बात के। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लेट करके इन मुर्गों को मारेंगे। मुर्गियाँ हमें खाना देती है। मुर्गो मर जाओ, मुर्गियाँ मर गई सारी। चलो कोई कोई नहीं, मुर्गियाँ को मार देंगे। तीन मुर्गी को मारने के बाद मुझे थोड़ा बहुत चिकन कुछ कुछ की मिल रखता है। फिर मैं जाता हूँ सीधा पेट्रोल का पेड़ उड़ाने। पेट्रोल का पेड़ उड़ा देंगे, फिर अपन जाएंगे सीधा लकड़ी का पेड़ उड़ाने। लकड़ी के पेड़ उड़ाने बाद मैं क्राफ्टिंग टेबल सब बनाऊंगा। अब देखो यार, ये वीडियो बहुत बढ़िया हो रहा है। एकदम अपना शानदार सा बंगला बना के रखेंगे। सारा कोई आना ही नहीं चाहिए अंदर। सारा वो क्रीपर व्रीपर जॉम्बी वॉम्बी ठोक देंगे उसको, सीधा आया था अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पेड़ को उड़ा तो दिया है पर उसका सैपलिंग मुझे मिल रहा है नहीं। एक दो मैं फिर उड़ा देता हूँ, फिर के लीव उड़ा देता हूँ, क्या पता इसके अंदर होगा। फिर भी मुझे सैपलिंग नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। और ये लकड़ी के पेड़ उड़ा देंगे पहले। तो लकड़ी के पेड़ उड़ाने के बाद जाएंगे सीधा अपने साम्राज्य बनाने के लिए, जगह ढूंढ लेंगे बिना किसी के। सो गाइस, दो लकड़ी उड़ाने के बाद मैं जाता हूँ सीधा इधर से बाहर। और ये जगह एकदम बकवास थर्ड क्लास हो रखा है। सो गाइस, मुझे सबसे पहले जाना है एकदम क्लियर जगह पे। सो मैं ऐसे, हाँ गाइस, ये है हो रखा है एकदम क्लियर जगह। तो मुझे लगता है सामने एकदम बढ़िया तरीका हो रखा होगा विलेज। और इधर तो हो रखा है अपना बकवास सा स्विमिंग पूल। और ये होता है स्विमिंग पूल, इसका क्या बोलते, शुगर केन। शुगर केन से बना सकते हैं अपना प्यारा। देखो यार, ये जबरदस्त सा बनाने वाला हूँ मैं अपना साम्राज्य। एकदम टेक्नो गेमर से भी शानदार बनने वाला है। और देखो गाइस, ये है अकेसिया ब्लॉक। इसको काटेंगे क्योंकि ये बहुत रेयर मिलते हैं माइनक्राफ्ट में। सो सबसे पहले इसको काटेंगे एकदम बढ़िया तगड़े तरीके से। और गाइस, इसको काटने के बाद मैं अपना विलेज ढूंढ लूंगा एकदम बढ़िया तरीके से। तो जैसे ही अकेसिया ब्लॉक को काटेंगे एकदम बढ़िया, पूरी सैपलिंग मुझे चाहिए अकेसिया ब्लॉक की। तो मैं पूरा पेड़ उड़ा दूंगा पर सैपलिंग लेके ही जाऊंगा। सो ये सैपलिंग भी मुझे मिल जाती है, तब तक तो रात हो चुकी होती है। मैं पूरा विलेज इधर जाके मुझे अपना विलेज मिल जाता है। और मैं क्राफ्टिंग टेबल वगैरह बना देता हूँ और जाता हूँ सीधा एकदम बढ़िया बेड ढूंढने। और बेड तो मुझे मिलता है नहीं, तो मैं दूसरे घर पे जाता हूँ एकदम बढ़िया तरीके से। ये घर विलेज बहुत ही तगड़ा हो रखा है। सो इधर बेड हो रखा है, तो मैं जाता हूँ इधर बेड पे सोने एकदम, नहीं तो ज़ॉम्बी आके हमारे लगा देते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। सो गाइस, अभी अपन बना देते हैं अपना प्यारा माहेश्वर साम्राज्य। ये है हमारे गाँव का वॉचमैन, जिसे हम आयरन गोलम के नाम से पुकारते हैं। और ये है मियाँ कैट। और ये है हमारा डोमी विलेजर। और गाइस, ये हो रखा है डॉग शायद, मुझे नहीं पता। सो गाइस, मैं सोच रहा हूँ मैं अपना घर कहाँ पे बनाऊँ। सो देखते हैं कहाँ पे बनाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं है आराम से। गाइस, मैं सोच रहा हूँ विलेज से थोड़ा दूरी बनाएंगे अपना घर, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, एकदम बढ़िया लगना चाहिए अपना घर। विलेज से थोड़ा दूर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। सो मैं विलेज से थोड़ा ही दूर बना रहा हूँ। और ये अपना पूरा लकड़ा काट देंगे, ये बहुत ही बड़ा पेड़ हो रखा है। फिर गाइस, मैं काट देता हूँ पूरा अपना प्यारा लकड़ा। फिर इधर मैं गलती से अपना एक मेरा गलती से अकेसिया ब्लॉक आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको उड़ा देंगे पहले एकदम तगड़ी तरीके से। और उड़ा देते हैं हम इसको भी। और गाइस, और ये अपन पूरा लकड़ा अपना काट देते हैं। और किधर बनाएंगे? और गाइस, ये जगह एकदम फिटफुस लग रही है। और अपन बनाएंगे इधर ही सबसे पहले एकदम तगड़ी तरीके से बनाएंगे अपन। और ये घोड़ा है, सारा गधा है, घोड़ा है, मैं पता नहीं। मैं एकदम अलग ही बना रहा हूँ गाइस, नॉर्मल घर नहीं बना रहा हूँ मैं। सो थोड़ा डिस्टेंसिंग में ये सब रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लकड़े पर रखेंगे एकदम डिस्टेंसिंग में। ये घोड़ा मनुष्य क्या कर रहा है इधर नहीं पता मुझे, ये चेक कर लेंगे एकदम बराबर मेजरमेंट है या नहीं। ओके गाइस, एकदम बराबर मेजरमेंट हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर अपने को एक लकड़ा लगाना है। सो इधर अभी नेक्स्ट इधर लकड़ा लगाना है। और ये लगा देते हैं अपन। ओके, अभी इधर लगना। ओके गाइस, ये गलत लग चुका है, तो अभी इसको भी एकदम तगड़ी तरीके से उड़ा देंगे बिना किसी, आपको तो पता ही है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना पूरा घर का लेआउट बराबर बना दिया है। और अभी अपन जाएंगे और लकड़े इकट्ठे करने के लिए। और लकड़े इकट्ठे करने के लिए अपन जाते हैं।
लिए हैं कुछ छह लकड़े और एक क्राफ्टिंग टेबल इधर ही बना देंगे ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं हो हमें। तो गाइस एक क्राफ्टिंग टेबल बनके अपना तैयार हो चुका है और मुझे स्टिक्स चाहिए चार। मेरे हिसाब से चार बढ़िया है। गाइस देखो एकदम बढ़िया चीज बना रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। और क्राफ्टिंग टेबल को इधर रख देंगे और इसके अंदर जाके अपन बनाएंगे अपना प्यारा एक्स। एक्स बनाने की प्रक्रिया मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे ही कुछ कुछ कर रहा हूँ, क्या पता आ जाए। सो मैं देखूंगा इसमें और इसमें मैं गलती से कुछ किए कर दूंगा। सो गाइस एक्स आ चुका है, एक्स ले लेंगे अपन, दो एक्स ले लेंगे एकदम बढ़िया। और एक अभी अपन फटाफट से अपना खोदते हैं, क्या बोलते हैं इसे, लकड़े पेड़ का लकड़ा खोद देंगे। और खोद दिया मैंने बहुत सारा गाइस, और देख सकते हो आप मेरे कितना सारा खोद दिए हैं। और ये लास्ट है, ओके गाइस खोद दिया है बहुत सारा। और अपन जाते हैं दूसरे पेड़ पे, वो भी खोद देंगे। नहीं, इतना हमारे हिसाब से काफी है, पहले इतना ही लेंगे। 35 खोद दिए वो हमने। सो गाइस 35 वुड खोदने के बाद मैं जाता हूँ अपने घर के पास और इधर मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल भूल गया था, सो वापस लेने आ जाता हूँ। और क्राफ्टिंग टेबल लेके अपन जाएंगे अपना प्यारा गाँव। गाँव में मैं भूल जाता हूँ कि मेरा घर किधर है, फिर मुझे याद आ जाता है कि इस पेड़ के पास ही मेरा घर है। सो मैं आ जाता हूँ इस पेड़ के पास और मुझे मुझे पूरा डेकोरेटिव पता है क्या करना है कैसे करना है। सो इसके ऊपर खड़ खड़ के मुझे टोटल 13 ब्लॉक्स लगाने हैं, लगा देंगे एकदम बढ़िया तरीके से। और तुम्हारा ओ शिट, मैंने तो ये तक नहीं रखा कि अपन वापस जाएंगे कैसे, कोई ना खुद जाएंगे। खुद जा भाई, अरे इधर गलती से लग गया है हमारा ब्लॉक, ये मर गया। आधा लाइफलाइन अपना चला गया है और आधा लाइफलाइन जाने के बाद अपन वापस दूसरी टॉवर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और गाइस ये भी अपन तेरा के भीड़ में बनाएंगे। ये मैं ब्लॉक लगाता हूँ जब तक शाम हो जाती है। सुबह शाम को कोई काम हमें माइनक्राफ्ट में करना नहीं चाहिए, सीधा चुपचाप जाके एकदम सो जाना चाहिए। सो मैं सीधा मर जाता हूँ और सो जाऊँगा पहले। नहीं, मेरी टिप्पू सी लेकिन बच जाती है। सो सबसे पहले तो मैं सोने जाऊँगा क्योंकि सोने बहुत अच्छा रहता है, सोने से हम सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे। सुबह मैं 6-7 बज चुके हैं मेरे हिसाब से इधर, तो 6-7 बजे मैं सोने चला जाता हूँ। और ये अपना वॉचमैन ससुरा इधर ही है, 2-3 घंटे से कोई नहीं गाइस इधर, तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, मुझे नहीं पता मैं इधर क्यों आ रहा हूँ। सो मुझे पता नहीं हो कि गाइस वो घर किधर है, तो मैं ऐसे ढूंढता रहता हूँ। आराम से मुझे एक बेड नजर आता है तो मैं इसके अंदर ही चला जाऊँगा और आराम से सो जाऊँगा। एकदम मस्त नींद आ रही है एकदम, ये बेड नहीं करना चाहिए। और कहीं सुबह हो चुकी है, वापस जाएंगे अपन काफी दूर है, कोई नहीं कम से कम ज्यादा तो नहीं है। फिर सुबह हो चुकी है, हम आ जाते हैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे और अपना एक और ब्रांड न्यू पिलर बना देंगे इधर। और गाइस इधर पिलर बन रहा है और इतने ही वुड्स थे मेरे पास गाइस, इसलिए बीच वाले पिलर में एक वुड ज्यादा आ गया और मैं मर जाता हूँ, मेरा सारा सामान उल्टे करके बाहर आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं, इधर ही रहेगा, कोई नहीं, हम आएंगे वापस, वापस लेंगे, वापस अपन बनाएंगे अपना घर। तो गाइस देखो यार इधर भी एक राशन डबल नल्ला सब पड़ा रखा है। और गाइस मैं आ जाता हूँ वापस यहाँ पे और अपना पहले तो सब सामान ले लेंगे। और गाइस मुझे लगता है वो क्रीपर है। सो नहीं, वो क्रीपर तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्रीपर तो है नहीं। अपन अपना सारा सामान लेके चल रहे।